मैं एज ए मिनिस्टर नहीं आया, मैं एज ए पड़ोसी आया हूँ। हमारा हमें से एक था, वो हमारा भाई था। तो बड़ा अफसोस है कि जो हमारी विदेशी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहती हैं, ये तो शहादत हुई, इनकी जान नहीं गई, ये शहादत दी है इन्होंने मुल्क के लिए। तो हम कोशिश करेंगे जो हमसे बन पड़ेगा, इनके परिवार की जिम्मेदारी हमने उठानी है, और जो कुछ भी होगा हमारे दायरे में, सरकार के दायरे में, वो हम करेंगे और इन ताकतों से लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे, हार नहीं देश मानेगा। इस रियासत का एक मजबूत मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला साहब, और इस देश का एक बड़ा ही मजबूत प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है। तो इन ताकतों को हम जवाब देंगे, और मैं अपनी एक मिनिस्टर की हैसियत से आपको अश्योर करता हूँ कि इनको करारा जवाब दिया जाए। सर, उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुँचे हैं, स्टेट रोड को लेकर लगातार मंथन चल रहा है वहाँ पर, लगता है कि उस पर भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं तो इसको लेकर कोई असर पड़ेगा उस पर भी? देखो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। हमारी स्टेट हमसे ली गई है, कोई किसी ने एहसान थोड़ी करना है। वी वर स्टेट, महाराजा साहब की, वी वर कंट्री, देन वी वर स्टेट। फिर हमारी डिमोशन करके यूटी दी गई, और क्या हालात होंगे उसमें तो राजनीति है। और मैम श्योर कि दे विल फेवर नहीं करना, दे विल हैव टू गिव द स्टेट टू अस बिकॉज वी डिज़र्व इट, इट वॉज़ आर स्टेट, इट वॉज टेकन बाई फोर्स। और जो मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर का, ही इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज मिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड आर इंटायर कैबिनेट एंड एमएलएज, इवन एवरी पर्सन इन स्टेट, दे वॉन्ट आर स्टेट बैक, बिकॉज ये हमारा चॉइस है। का ही शिकार हुए हैं, पहले भी लगातार इस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई हैं जिनकी शहादतें हुई हैं। एक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग उठी थी, क्षेत्र में सरकार नहीं थी, एलजी साहब से मुलाकात हुई थी, बातचीत चल रही, लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी एक बन सकता है कि जम्मू के लोग जम्मू में ही रहें, क्योंकि अगर वहाँ जा रहे हैं, बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेफर माहौल में रह सकते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी बनती है सर? टारगेट किलिंग हो रही है, तो आई थिंक दिस इज पॉलिसी की लैप्स, समवेयर इज लैकिंग ना, चाहे वो दिल्ली है, चाहे यहाँ है, चाहे होम मिनिस्ट्री के लेवल पर, कहीं कमी तो है। लेकिन खैर, इस पर हमें सियासत नहीं करनी है, हमारा मुल्क सबसे आगे, कंट्री फर्स्ट, फिर उसके बाद पार्टी और ये सरकारें होती हैं। तो बिल्कुल आप कह रहे हो, ट्रांसफर पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, एंड मे बी इन डेज टू कम गवर्नमेंट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला, दे आर कंसिडरिंग इट, और इस पर कुछ ना कुछ होगा। परिवार से क्या बात है? द्वारा जो है कल कहा गया है कि गगनगीर में जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, ऐसे अटैक अगर कंटिन्यू रहेंगे तो स्टेटहुड मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। उसका स्टेटहुड से क्या लिंक, उसका कोई लिंक नहीं है ना, वो तो सियासी बात कर रहे हैं। वो स्टेटहुड हमारा हक बनता है, जो हमसे छीना गया है, ज़बरदस्ती छीना गया, वो एहसान तो नहीं करेंगे चोको। ये सियासी रोटियां सेकते हैं हर चीज़ पे। इस वक्त देश को मजबूती की ज़रूरत है, देश में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी हैं आगे भी, और आज भी जिन्होंने दी, जैसे मैं इस परिवार के साथ आया हूँ, इसको इसमें सियासत मिक्स मत करो। सब परिवार से क्या बातचीत हुई है, क्या एश्योरेंस जो है आपके द्वारा दिया गया? देखो, परिवार का दिल से हमें दुख है। मैं तो मीडिया वालों को भी नहीं चाहता सब बात करूं, लेकिन वो हम में से एक थे, हम उनमें से एक, तो वी विल टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, और कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब और कैबिनेट लेवल पे कोई एसआरओ वगैरह बने, सो दैट वी कैन टेक केयर, जो पॉसिबल हेल्प होगी हम करेंगे।